feel the morning on my face. Ain't a pill that I didn't take. Just a lifetime, cause it's been a long day. So guys, 3, 2, 1. So you guys will be thinking ki ye sab kya hai yahan pe. Well, welcome to the video. Let's remove everything. Sab kuch baat karenge. जानना है कि क्या है तो बस एक छोटा सा काम कर दो. टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तुरंत जाके फॉलो करो. 6,270 हैं अभी, 6,300 करो फटाफट इसको पहले, ठीक है? बात करते हैं इसके बाद. चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो गाइज. एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्राइस एक्शन कैसे बनाते हैं. बेसिक्स, थोड़ी बेसिक्स की बात करेंगे. वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है प्राइस एक्शन का और मैं डिटेल में बहुत डिस्कशंस करता रहता हूँ डेली, बट आज थोड़ा फ्री हूँ मैं तो डिस्कस करते हैं कि फ्री हैंड प्राइस एक्शन आपके सामने मैं क्या क्या मतलब क्या देखता हूँ, कैसे सोचता हूँ और किस तरीके से चीज़ें टर्न आउट होती हैं और ट्रेड में कैसे कन्वर्ट होती है वो, ठीक है? बाकी मैं बता दूं कि टेलीग्राम लिंक अगर आप लोग फॉलो करते हो तो हम लोग बहुत डिस्कशंस करते हैं. अभी मैंने एक पोल डाला हुआ है, ज़रूर जाके इस पोल पे अपना वोट डालो. पहले मुझे पता चलना चाहिए कि क्या कंडीशन चल रही है अभी पूरे ग्रुप की, ठीक है? उस हिसाब से फिर वीडियोस बनाऊंगा मैं. बाकी आज 22,000 के अराउंड का प्रॉफिट एक बुक करा है हम लोगों ने पीई पेन इंडस्ट्री में, ठीक है? काफ़ी अच्छी ट्रेड थी ये मेरी, ठीक है? ये भी पूरी प्राइस एक्शन पे ही बेस्ड थी, स्विंग ट्रेड थी, ठीक है? डिस्कस करते हैं आप बाकी प्राइस एक्शन यार इस वीडियो का, तो ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना प्लीज़, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैंने बनाया सबसे पहले एक इस तरीके का लेवल. क्यों बनाया सबसे पहले अपने आपको पूछा करो हमेशा वाई. तो यहाँ पे वाई आ रहा है निकल के. और गाइस, जो लोग द पीपल हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो, इंग्लिश ऑडियो भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी सेम चीज की. हर दिन इंग्लिश और हिंदी में ऑडियोज मिलते हैं, तो वहां पे आप टेलीग्राम पे सेम एनालिसिस का इंग्लिश ऑडियो ले सकते हो जाके. लेट्स स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. तो आप देख रहे हो कोविड के पहले एक बहुत ही स्टीप फॉल आया था, राइट? उसके बाद एक ब्रेकआउट आया. तो यार जब भी इस तरीके का सिनारियो आता है ना कि एक पॉइंट से मार्केट गिर गई और फिर मार्केट उस पॉइंट पे आ गई, तो या तो उस पॉइंट पे कंसोलिडेशन दिखेगा, या तो स्ट्रांग पावर से ब्रेकआउट हो जाएगा, या तो स्ट्रांग रिजेक्शन दिखेगा, फिर से कुछ भी हो सकता है. बट अगर स्ट्रांग पावर से रिजेक्शन दिखता है तो हम उसको फ्यूचर में देखते हैं कि यार अब क्या पता ब्रेक हो जाए, होप रखते हैं, ठीक है? हाँ, होप रखना अच्छी बात है, बट होप में ट्रेड में बैठना अच्छी बात नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या दिखा आपको कि वापस जब मार्केट आती है तो देखो वहां पे क्या हो रहा है, बार बार कुछ वहां पे बायर्स जनरेट हो रहे हैं, मार्केट और ऊपर जाती है. फिर वो जब वहां पे आती है फिर बायर आते हैं, फिर वहां पे आती है फिर बायर आते हैं. तो ये क्या हो रहा है, ये अपना जो रेजिस्टेंस था ना कोविड के पहले का, वो अब सपोर्ट में बदल गया है ब्रेकआउट के बाद. सिंपल एज दैट, समझे? तो मैं इस बॉक्स को कन्वर्ट कर देता हूँ पर्पल बॉक्स में. नाउ लेट्स गो टू द डेली टाइम फ्रेम. यार डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं. सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, डिस्क्राइब करता हूँ मैं कि यार ये एक टाइप का पैटर्न होता है, ठीक है? अगर आप सारे हेड्स को ज्वाइन करोगे, मैं बस दो बॉडी क्लोजिंग हेड्स को ज्वाइन कर रहा हूँ एंड इस लाइन को आगे लेके जाता हूँ थोड़ा सा, एंड मुझे मिलता है यार ऑलमोस्ट इस लाइन को, ये लाइन इसको टच कर रही है ऑलमोस्ट. आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है? यहां से काफी अच्छा रेजिस्टेंस एक बार दो बार तीन बार मिला, यहां से बॉडी क्लोजिंग का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला और यहां से विक बेस्ड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला, ठीक है? मार्केट ने इस लाइन को अच्छे से फॉलो करा है. इस पैटर्न को भी हम लोग कुछ कहते हैं, ठीक है? नाम में मैं नहीं जाऊंगा, बस आप ये समझो कि पैटर्न क्या कह रहा है. पैटर्न कह रहा है कि जब भी मैं इस स्लैंट लाइन को, जो कि थोड़ा हाई बनाई जा रही है, ठीक है, इसको जब भी टच करती है तो ये गिरती है मार्केट वहां से, और जब भी इस डिमांड जोन के आसपास आती है तो यार यहाँ से बाइंग उठती है और बाइंग उठ के इसी लाइन पे जाती है, फिर बाइंग उठ के इसी लाइन पे जाती है, फिर बाइंग उठ के इसी लाइन पे जाने की कोशिश और गिर गई, और जाने की कोशिश इस तरीके से भी हो सकता है. क्या पता मार्केट यहीं से गिर जाए. वेल, कुछ भी हो सकता है, बट हमें तैयार रहना है, राइट, हर चीज के लिए. तो उसकी प्लानिंग करते हैं हम, राइट? तो प्लानिंग कहाँ करेंगे, करेंट डेटा पे, राइट? करेंट डेटा ये है अपना, ठीक है? पैटर्न जब बनाओ तो हमेशा हिस्टोरिकल डेटास को लेके बनाओ, और जब भी बन रहा हो तो एग्जीक्यूशन करेंट डेटा पे होता है उसका, ठीक है? बताता हूँ क्या बोला मैंने. मतलब कि देखो, यहाँ आप लोगों को पैरेलल चैनल दिख रहा है कहीं पे, मैं दिखाता हूँ आपको पैरेलल चैनल. यहाँ देखो, इसको जोड़ो ऐसे, ले जाके ऐसे जोड़ो, ठीक है? हाइज जोड़ दिए मैंने सारे, और इसको ऐसे पैरेलली, एक टूल है आपको मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू पे, ये कुछ इस तरीके से आपको जुड़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है? ब्यूटिफुल, ठीक है, एकदम ब्यूटीफुल तरीके से नजर आएगा आपको ऐसे, राइट? यहाँ पे आप देखोगे कैसे मार्केट ने एक बार, तो दो बार, तीन बार,
चार बार रिजेक्शन खाया है सेम लाइन से, इसको थोड़ा आगे कर देते हैं क्योंकि अभी इसकी मदद पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आप देखोगे एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, तीन बार सपोर्ट, तो यार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस खा रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस, यही तो हो रहा है, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये जो एरिया था नीचे, ठीक है, इस एरिया को मैं अगर एक सर्किल बोलूँ, ठीक है, कन्फ्लुएंस सर्किल बोल दूँ, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे मल्टीपल डिमांड आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, या फिर ऐसी जगह यहाँ पे मल्टीपल सप्लाई आ रही है और मल्टीपल क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस खा रहा है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक सर्किल बनाता हूँ, ठीक है, ये एरिया, तो ये एरिया एक्ट करेगा, ये पूरा एरिया एक्ट करेगा कैसा, एक पॉजिटिव ग्रीन सर्किल की तरह, पॉजिटिव ग्रीन सर्किल की तरह, ठीक है। अब मैं यहां से एक लाइन ऊपर से ड्रॉ करता हूं, मैंने देखा यार ये एरिया खाली रह गया है, लेट्स सी कि वहां क्या हो सकता है। तो ये आपने देखा पीछे से जो लाइन आई वो तो ऊपर निकल गई, मतलब अब हर जो लाइन आएगी वो उसकी ऊपर ही जाएगी, तो हम इस लाइन को ले लेते हैं कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट। जो करंट लाइन आई वो मैंने यहां से पास करी, मैंने देखा कि यार ये तो एक रेजिस्टेंस और खा रहा है जो कि इससे भी नीचे है, मतलब इस लाइन से नीचे एक लाइन मुझे दिख गई, ठीक है। एंड यहां पे मुझे दिखा यार यहां पे भी रेजिस्टेंस खा रहा है, बट मैंने देखा ये क्या है, जहां पे क्रॉसओवर टाइप का एक आया है, मतलब इस लाइन का और ये पैरेलल चैनल का, पैरेलल चैनल भी रेजिस्टेंस देगा और यहाँ पे इस लाइन का भी रेजिस्टेंस आएगा, तो सोचो यहाँ पे कितनी बड़ी एक रेड कैंडल आ सकती है, गुड इंट्राडे ट्रेड हो सकती है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो एक बड़ी 2-3% की एक बड़ी कैंडल आई यहाँ पे ग्रीन, तो क्या हो सकती थी अच्छी इस दिन, अच्छी इंट्राडे ट्रेड हो सकती, तो इंट्राडे स्पॉट्स भी आपको पता चलेंगे इस तरीके से, राइट। बनाते हैं दूसरा पॉइंट अब, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनेगा आपका अराउंड इस एरिया में, और ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, एक रेजिस्टेंस जोन कहलाएगा। अब ट्रेडिंग इन द जोन जो होता है, ठीक है, बुक्स तो बहुत लोगों ने पढ़ी होंगी और समझा भी बहुत लोगों ने होगा, बट अप्लाई करा क्या कभी, तो अप्लाई इस तरीके से करते हैं कि ये जो एरिया हम कैप्चर करने वाले ना, इसके बीच में एंट्री पॉइंट से लेके इस एरिया तक, इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग इन द जोन। ये आपकी एक्चुअल इन द जोन ट्रेडिंग होती है कि भाई हमने यहाँ नहीं करी, यहाँ नहीं करी, ठीक है, यहाँ नहीं करी, यहाँ नहीं करी, हमने यहाँ ट्रेडिंग करी, ठीक है, एंड हमने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग करी यहाँ पे, इसे कहते हैं ट्रेडिंग इन द जोन, समझे। तो आप यहाँ पे देखोगे, और एक और लास्ट चीज यहाँ बन रही है कि यहाँ देखो मार्केट यहाँ से उठा, फिर यहाँ से उठा, फिर यहाँ से उठा, तो एक बार, दो बार, तीन बार सेम जगह से रेजिस्टेंस पाके ऊपर आ रहा है, तो मतलब रेजिस्टेंस खा रहा है नीचे, ठीक है, तो नीचे रेजिस्टेंस नहीं खाता है मार्केट कभी, नीचे सपोर्ट खाता है मार्केट और ऊपर आकर रेजिस्टेंस खाता है, ठीक है। हायर लो बनाया, मार्केट ऊपर भाग गया, वापस आया, सपोर्ट ले रहा है फिर से, तो क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिमांड जोन कह सकते हैं इसको। इसको बनाता हूं मैं ग्रीन कलर से, तो डिमांड जोन ग्रीन कलर से बनाया है, तो काफी कुछ खिचड़ी हो गई है यहाँ पे और काफी दिख नहीं रहा होगा, बट समझाने के लिए और खुद समझने के लिए ये जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, अगर आप मुझसे पूछोगे कि मुझे कितना टाइम लगता है ये सब बनाने में, बनाने में तो बहुत टाइम लगा आपके सामने, देखो कितने मिनट हो गए, आई गेस ये 7-8 मिनट हो गए, तो क्या मैं ये बनाता हूँ, नहीं, स्प्लिट सेकंड में देखता हूँ अपनी आंखों में, तो मुझे लगते हैं मुश्किल से 10-15 सेकंड्स ये पूरा समझने में कि अच्छा यहाँ ये होगा, वहां वो होगा, यहाँ ये होगा, ये पैरेलल चैनल है, बिना बनाए, ठीक है। तो इसे कहते हैं ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इज फास्टनेस जो आप अपने सेटअप पे ला रहे हो, और सेटअप एक होना चाहिए जिस पे आप रिलीजियसली वर्क कर रहे हो, और रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसे कहते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। आई होप आप समझ गए कि मैं क्या समझाना चाहता था इस वीडियो में, एंड ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट वीडियो था थोड़ा आप लोग के लिए, एंड आई होप आपने एंजॉय करा हो वीडियो को। और टेलीग्राम जरूर फॉलो करिएगा, लेट्स एम फॉर 6300 फॉलोअर्स गाइस, फटाफट सबके सब जाके टेलीग्राम फॉलो करो अभी के अभी, जो भी नए लोग आए हो फटाफट गो देयर, हिट दैट फॉलो बटन ऑन माय टेलीग्राम। थैंक यू सो मच, कल के वीडियो में मिलते हैं, कल कुछ और कंटेंट के साथ आएंगे एंड और डिस्कशंस करेंगे। थैंक यू सो मच। Don't forget your hashtag.